किसी शहर में एक बहुत बड़ा आलिम रहता था, जिसे अपने इल्म पर बड़ा नाज था। वह हर किसी को अपने से कमतर समझता था। एक दफ़ा वो मुतकब्बिर आलिम दरिया के सफ़र के लिए एक कश्ती पर सवार हुआ। बातों बातों में आलिम ने उस मल्लाह से पूछा, क्या तुमने नाहव पढ़ी है? मल्लाह बेचारा तो कश्ती में सवारियां ढोता था, उसे सरफो नाव से भला क्या काम। चुनांचे मल्लाह ने नफी में जवाब दिया तो मगरूर आलिम ने कहा, अगर तुमने नाहव नहीं पढ़ी तो समझो तुम्हारी आधी उम्र जाया हो गई। मल्लाह को ये बात सुनकर बड़ा रंज हुआ, मगर वो खामोश रहा। दरिया के सफर के दौरान मल्लाह ने उस कश्ती को भंवर में डाल दिया। कश्ती हचकोले खाने लगी, मुसाफिर परेशान हो गए। उस वक्त मल्लाह ने उस मगरूर आलिम से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? आलिम ने तंग आकर जवाब दिया, मैं एक आलिम हूं, मेरा मशगला किताबों से है, मुझे तैरने से क्या काम। मल्लाह ने जवाब दिया कि अगर आपने तैराकी नहीं सीखी तो समझो तुम्हारी सारी उम्र जाया होगी। कश्ती भंवर में फंसी हुई है, यहां जान उसकी बचेगी जो तैरना जानता है। नाहव का इल्म इस जगह कारामद नहीं। इस कहानी में ये हिकमत है कि दुनिया में हर पेशे से मुतालिक इल्म की अपनी अपनी अहमियत है। जो मैदाने कार किसी खास पेशे का है, उसमें दूसरे पेशे का इल्म काम नहीं देता।